दोस्तों ये है 2024 मॉडल TVS Apache RTR 310 और ये आप देखते हैं काफ़ी स्पोर्टी और नेकेड बाइक है। TVS की एक ऐसी ये बाइक है दोस्तों जिसमें कार से भी ज़्यादा फीचर आपको मिलता है, बिल्कुल कार जितना कार में आपको मिलेगा उससे भी यहाँ पर आपको ज़्यादा फीचर मिलेगा, क्योंकि ये टू व्हीलर है और एक फोर व्हीलर की टक्कर देने वाली है। तो यहाँ पर आपको RTR 310 की बेजिंग LED वाले इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे स्पोर्टी लुक के साथ। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगेगा और ये रहा सामने का लुक जिसमें आपको ये DRL मिल जाता है, LED और LED हेडलाइट इसके अंदर देखने को मिलेगा इस तरह से कुछ जलती हुई, ये देखिए तो काफ़ी अच्छी लाइट मिलती है। यहाँ पर आपका इस तरह से लुक आएगा, हॉर्स का लोगो है और ये पूरा सेटअप रहेगा हेडलाइट का। और इसका जो मडगार्ड है भाई ये आप देखिए डोल टोन फिनिशिंग के साथ येलो एंड ब्लैक रिफ्लेक्टर USD टेलीस्कोपिक, यहाँ पर USD फोर्क सस्पेंसर रहेगा, इतना लंबा छोड़ा देखो आप। और यहाँ पर जो व्हील है ना ये ब्लैक रहेगा आगे पीछे येलो, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। TVS रेसिंग यहाँ पर आपको रैपिंग, ये आपका व्हील रहेगा और ये आप देखिए पूरा सेटअप इसका सस्पेंसन का बहुत गजब का है। और इसके अंदर अब आप देखिए ये देखिए 300 mm का पेटल डिस्क ब्रेक मिल जाता है इसके अंदर, ये चीज़ सबसे ज़बरदस्त है, बाइबर का डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा और इसके अंदर डुअल चैनल ABS आपको मिलेगा। तो फ्रंट पे ये 300 mm का रहेगा, तो आप मडगार्ड देख सकते हैं और व्हील देखो आप 110x70 यानी कि 110x70 का आपको टायर मिलता है, 17 इंच की व्हील है, रैपिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से रहेगा। और इसके अंदर आपको ये डबल हॉर्न मिलता है, ये देखो आप डबल हॉर्न है, स्मार्ट कनेक्ट यानी कॉल मिस कॉल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, नेविगेशन सब बताएगा, यहाँ पर ग्रिल मिलेगा, यहाँ पर आपका एक स्टिकर मिलेगा, यहाँ पर आपका DOSC रिवर्स इंक्लिनेट मिलेगा इंजन, ये लिक्विड कूल रहेगा पूरा, कूलेंट देखो आप, रेडिएटर यहाँ पर गार्ड भी दिया गया है, यहाँ पर आपको मिलता है ऑयल फिल्टर, ये आपका इंजन गार्ड रहेगा पूरा, ये पूरा इंजन का सेटअप इस तरह से रहने वाला है, बहुत ही गजब का चीज़ है। यहाँ पर आपका ये देखिए दिया गया है ताकि विंड जो हवा पास हो जाए, ये आपका चेसी रहेगा इस तरह से, देखिए सस्पेंशन यहाँ से टाइट किया गया है, क्लच 4-स्टेप एडजस्टेबल है ये इस तरह से स्लीपर क्लच, ये ब्रेक है ये भी 4-स्टेप एडजस्टेबल है, बारंट मिलेगा इंजन के लिए, स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ से, क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आपको मिल जाता है, ये आप देखते हैं ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, देखो आप प्रेस ब्रेक क्लच टू इनेबल क्रूज, प्रेस ब्रेक एंड क्लच, ये पूरा आप इसको दबाइए और इसको दबाइए, फिर यहाँ पर इसको दबाएंगे तो ये आपका क्रूज कंट्रोल ऑन होगा, ये यहाँ पर बताता है ये, ठीक है ये चीज़ आप देख सकते हैं सबसे अलग चीज़ इसके अंदर आपको मिलता है और यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्रूज कंट्रोल रहेगा, ये आपका हाई लो बीम पासिंग, ये हैजर्ड बटन है, इसको दबा देंगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ जलने लगेंगे, ये आप देख सकते हैं ये देखिए, ठीक है ये आपका रहेगा। 5 इंच की TFT डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले रहेगा इसके अंदर, आपका बहुत सारे फीचर हैं यहाँ पर, ये कंट्रोल आप कर सकते हैं क्रूज के, यहाँ पर स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिकेटर हॉर्न, और उसके बाद आप देखो इसके अंदर आपको वॉइस असिस्ट है, नेविगेशन, रेस टेलीमेट्री, टेलीफोनी, डिजीडॉक्स, क्रेश अलर्ट, गोप्रो कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपका ये रहेगा क्रूज कंट्रोल, ये सब कुछ मिलेगा। उसके बाद मोड देखो, राइड मोड इसके अंदर आपको मिलेंगे, ये अर्बन पे है, स्पोर्ट मोड, ट्रैक, अर्बन, रेन, सुपर मोटो, ये सारे आपको मोड मिल जाते हैं। 5 इंच की कलर TFT डिस्प्ले मिलेगी, यहाँ पर आपको मैक्सिमम RPM है और ये ABS यहाँ पर है, ये आपका क्रूज कंट्रोल का है, ये आपका TCS है यानी ट्रैक्शन कंट्रोल रहेगा, न्यूट्रल, लो व्हील वार्निंग इंडिकेटर, FI light, वेयर योर गियर, ये पूरा इस तरह से रहेगा। ये स्टील में आपका मिलेगा हैंडल बार पूरा फुल सेटअप इस तरह से, यह है इसकी चाबी, यह है इसका इग्निशन, ये इस तरह से रहेगा, TVS की बैजिंग है और यह है इग्निशन, यहाँ पर आप लगा के ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ये इस तरह से रहेगा। अब E20 का मॉडल रहेगा, ये आपका ये सिल्वर पे रहेगा, ये आपका ग्रे कलर, यहाँ पर आपका हॉर्स का लोगो, ये ब्लैक रहेगा, स्मार्ट कनेक्ट, ये पूरा यहाँ पर अपाचे की बैजिंग येलो कलर पर, ये इस तरह से ग्राफिक्स आएंगे। 11.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, थोड़ा फ्यूल टैंक बढ़ाना था, कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा रहता, ये आप देखते हैं इस तरह से 11.5 लीटर आएगा, यहाँ पर येलो और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन, ये आपका ब्लैक, और इसके अंदर आपको फ्री स्टाइल स्टील मिलता है, ये आपका फ्रेम जो है फ्री स्टाइलर है, और यहाँ पर आप देखिए डू नॉट ये ब्लॉक लिखा है, ये आपका येलो ग्रे और ये कॉम्बिनेशन आप देखते हैं रेडिएटर का पूरा, ये देखो रेडिएटर 312.2 cc का इंजन है और मैक्सिमम जो पावर है वो 97 RPM है, मैक्सिमम जो टार्क है ये स्पोर्ट मोड में बता रहा हूँ 6650 माइलेज 25 का देगी, तो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है भाई। और 6 गियर इसके अंदर आपको मिलेंगे ही, 6 गियर है, गियर लीवर आप देखो पूरा सब बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, साइड स्टैंड फोर्टेस्ट आपका इस तरह से एलुमिनियम, ये आपका एलुमिनियम पर रहेगा लेकिन रबड़ भी रहेगा, ये पूरा एलुमिनियम रहेगा, यहाँ पर ये कार्ड दिया गया है, यहाँ पर ये चेन कवर है अंडर कवर के साथ, मोनोक्रोस सस्पेंशन, 7-स्टेप एडजस्टेबल, एग्जॉस का बैंड पाइप यहाँ पर दिया गया है, DOSC इंजन आपको मिलता है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, हाइपर स्पेस, ये देखो आप यहाँ पर आपका ग्रिल, ये आपका ग्रे, ये एलुमिनियम है, ये आपका इस तरह से रहेगा। वेंटिलेटेड सीट आपको मिल जाती है इसके अंदर, स्प्लिट में अलग अलग, TVS रेसिंग की बेजिंग, ये आपका सीट रहेगा इस तरह से, स्प्लिट में आपको ग्रेबरेल मिल जाता है, TVS की ब्रांडिंग मिलेगी, ये आपका एलुमिनियम पर रहेगा, मॉडल आप देखो, यहाँ पर आप चाबी लगा के सीट खोल भी सकते हैं,
और यहाँ पर ये चैन कवर, अंडर कवर, स्विंग आर्म इसकी एल्युमिनियम की मिलती है, इतनी लंबी चौड़ी बढ़िया, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सेटअप है। ये आपका सारी गार्ड दिया गया है। ये भाई वाह क्या बात, रियर पे पीछे रियर पे आपका ये मड गार्ड और नंबर प्लेट सेटअप इंडिकेटर पीछे दिया गया है। ये देखो इस तरह से ये गाड़ी दिखेगी, गजब की चीज़ है। पीछे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक ABS के साथ, रियर की जो हुई है येलो कलर में मिल रही है। TVS रेसिंग की आपको इस तरह से जो है स्टिकर मिल जाता है। पीछे का टायर 150/60 का 17 inch का रहेगा। और ये रहा एग्जॉस्ट, इस तरह से आपको मिलता है, स्टील में आपका रहेगा। फुटर्स आप देखो, ब्रेक लीवर, TVS रेसिंग की ब्रांडिंग, RT स्लीपर क्लच इसके अंदर है, DOSC इंजन आपको मिलता है। देखो आप ये पूरा इस तरह से रहेगा इंजन, चेसी सीट, यहाँ पर भी ग्रिल, इस तरह से पूरा लुक इस तरह से आएगा। गाड़ी भाई काफ़ी स्पोर्टी और नेकेड में सबसे ज़बरदस्त मिल रही है आपको, एक पूरा लुक आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे ढेर सारे फीचर हैं इसके अंदर, आप देख लिए हैं। यहाँ पर ये, यहाँ पर देखो LED टेल लाइट जो है ना, ये देखो इस तरह से निकला हुआ है और अलग अलग है स्प्लिट में, देखो इस तरह से बनाई गई है। तो LED जो है ना, ये टेल लाइट एकदम गजब की चीज़ बनाया गया है। और BMW वाली इसके अंदर आपको हेडलाइट मिलती है भाई, यानी कि BMW की जो गाड़ी आती है वो TVS ही बनाता है। इसके फॉर्म पे आप देख सकते हैं जहाँ पे जहाँ बनती है, ये आप इस तरह से मिलेगा पूरा लुक। तो अभी यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड है, ये आपका क्लस्टर इस तरह से मिलता है, ये पूरी गाड़ी। और अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका कि इसके अंदर और क्या क्या आपको मिलेंगे, ठीक है। तो स्लीपर क्लच रहेगा, लिक्विड कूल इंजन आपका रहेगा। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 295,000 रुपये है, 295,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। आगे आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक, पीछे 240 mm का रहेगा। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपको मिलता है 169 kg की गाड़ी, यानी 169 kg का वज़न रहेगा। मैक्सिमम स्पीड है 150 की। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपका सीट जो हाइट है वो आपको मिल जाती है 8 mm, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप नेकेड बाइक है तो ये जरूर खरीदें, 295,000 ऑन रोड प्राइस। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भाई बाइक लेना चाहते हैं।